पर्पल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास का बड़ा बयान सामने आया। बुधवार की देर शाम संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद में सपा नेता जयराम पांडे के बेटे के आशीर्वाद समारोह में पहुंचे अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास ने मीडिया से बात करने के दौरान भारत को सीरिया बनाने के बयान पर श्री श्री रविशंकर पर पलटवार करते हुए कहा है कि कोई साधु संत नहीं है, वो सिर्फ बकवास करते हैं और सरकार के इशारे पर बोलते हैं। श्री श्री रविशंकर प्रधानमंत्री जी के निगाह में अच्छा बनना चाहते हैं, ये उनका आडंबर है। अयोध्या में मुझसे मिलने आए थे और संतों ने उनको नकारा। ज्ञानदास ने कहा कि श्री श्री रविशंकर उनसे भी मिलने आए थे लेकिन हमने उनको भगा दिया। आगे कहा कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो अब श्री श्री और फ्री फ्री का कोई मतलब नहीं है। श्री श्री नहीं, वो फ्री फ्री हो गए हैं। वहीं दोनों सरकारों पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब तो केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह सरकार है। अशोक सिंघल जो चाह रहे थे वो हो गया, अब क्या दिक्कत है। रविशंकर समझौते के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। इतना ही नहीं, महंत ज्ञानदास ने अशोक सिंघल, विनय कटियार और रामविलास वेदांती को राम मंदिर बनाने में बाधक बताते हुए कहा कि तीन हिस्से में बांटने के लिए 2010 में कोर्ट का एक निर्णय आया था जिससे यह लग रहा था कि राम मंदिर बन जाएगा, जिसमें सब कुछ हो गया था, लेकिन अशोक सिंघल, विनय कटियार और रामविलास वेदांती इसमें बाधक बन गए। अब जो कुछ भी होगा कोर्ट में होगा। आगे कहा कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो क्या मक्का में बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर बनना ही चाहिए, लेकिन ऐसा मंदिर नहीं बनना चाहिए जो खून की धारा से नहीं, बल्कि ऐसा मंदिर बने जो दूध की धारा से बना हो, लेकिन नेताओं ने उलझा रखा है। राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। वहीं महंत ज्ञानदास ने राजनीति नेताओं पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि ये लोग बयानबाजी करके हिंदू मुस्लिम को बांटने वाला काम करते हैं, लेकिन जब चुनाव का दौर आता है तो यही लोग इन्हीं लोगों को एक जैसा सम्मान देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।